नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। महाराष्ट्र में शिवसेना जहां एक ओर सियासी संकट से जूझ रही है, तो इसी बीच अब एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि इस बात की पुष्टि खुद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने की है। आपको बता दें कि बीते दिन उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके चलते उनका टेस्ट किया गया था, कोरोना संक्रमण का टेस्ट किया गया था, और जिसमें वो पॉजिटिव पाए गए हैं। और जैसे ही उनके कोरोना संक्रमण होने की बात की पुष्टि हुई, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। इसके बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि जहां लगातार जहां एक ओर महाराष्ट्र में शिवसेना इस वक्त सियासी संकट से जूझ रही है। जी हां, जिस तरह से शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे ने अपने साथ करीब 40 बागी विधायकों को अपने खेमे में ले लिया है, जिससे कहीं ना कहीं अब उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने की कगार पर आ गई है। जी हां, आपको बता दें कि हाल ही में जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला, जिससे कहीं ना कहीं अब ठाकरे सरकार काफी ज्यादा बौखला गई है। यही वजह है कि जिस तरह से कल एक बड़ी बैठक की गई, जिसमें रणनीति बनाई गई, और साथ ही अब जो ये खबर सामने आई कि जिस तरह से नेता एकनाथ शिंदे अपने साथ 40 बागी विधायकों को लेकर गायब हो गए हैं। जी हां, पहले खबर ये आ रही थी कि वो उन बागी विधायकों के साथ गुजरात में छुपे हुए हैं, और अब खबर सामने आ रही है कि गुजरात से इस पूरे विधायकों के खेमे ने सूरत की ओर रुख कर लिया है, जिसके बाद देखने वाली बात ये होगी कि क्या एक बार फिर से बीजेपी महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार को कड़ी चुनौती देने वाली है। जी हां, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि क्या कुछ रणनीति पर काम करते हुए बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में 5 उम्मीदवार को लेकर जो शानदार जीत हासिल की है, उसके बाद कहीं ना कहीं ठाकरे सरकार की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने कल सभी मंत्रियों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें बागी विधायकों को लेकर जरूरी चर्चा की गई। इसी के साथ आज एक बार फिर से उद्धव ठाकरे ने तमाम जरूरी नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक बुलाई है। आखिरकार क्या कुछ उसमें बड़ा फैसला लिया जाता है, क्योंकि जिस तरह से नेता एकनाथ शिंदे बागी हो चले हैं और साथ ही अपने साथ करीब 40 विधायकों को लेकर गायब हो गए हैं, आखिरकार क्या कुछ होना है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 2024 की तैयारी बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी है। जी हाँ, एक एक करके जिस तरह से बीजेपी एक एक राज्य में धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, फिर चाहे वो गुजरात हो या फिर राजस्थान, और अब आखिर में महाराष्ट्र। जी हाँ, जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में जो शानदार जीत बीजेपी ने ली है, इसमें अहम रोल पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी माना जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि जो 5 उम्मीदवारों को शानदार जीत मिली है, इसमें जो रणनीति का सहरा है वो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सर बांध दिया गया है। जिसके बाद देखने वाली बात यह होगी कि जो आज अहम बैठक उद्धव ठाकरे ने बुलाई है, आखिरकार क्या कुछ रणनीति बनाई जाती है बीजेपी को लेकर भी, और साथ ही एकनाथ शिंदे समेत उन 40 बागी विधायकों को लेकर। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी ऐसे ही तमाम अपडेट्स जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ। नमस्कार।